हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है ये डिटेल वीडियो है इस गन के बारे में। दिस इज अ वॉल्थर CP88 मॉडल। इसका जो है मैं आज आपको फायरिंग टेस्ट डिटेल वीडियो, हम जो जनरली दो वीडियोस बनाते हैं, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है और एक फायरिंग वीडियो होती है, बट ये जो वीडियो होगी अब से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो, तो अंत तक बने रहिएगा। सो ये जो है बेसिकली वॉल्थर CP88 मॉडल है। इसको जो है उमारेक्स बनाती है एंड दिस इज़ अ जर्मन मेड प्रोडक्ट। वॉल्थर जो है एग्जैक्टली ये कोई कंपनी है स्पेसिफिक जो इस गन को पहले मैन्युफैक्चर करती थी ओरिजिनल गन में, बट फिर इसने जो है लाइसेंस दिया टू द उमारेक्स टू मैन्युफैक्चर दिस गन इन एयर गन्स। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। अभी जो उमारेक्स है वो एग्जैक्टली दो जगह पे इस्टेब्लिश है, एक जो है जर्मनी में है और एक जो है ताइवान में है। सो अभी ये जो मॉडल है एग्जैक्टली ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर हुआ है। सो अब हम जो है इसके डिटेल की बात करते हैं। सो पहली बात तो ये कुछ आपको इस तरीके से देखती हुई मिलेगी, ये फुल ब्लैक में आती है, आप देख सकते हो। ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ब्लू बैक गन है, इसमें ब्लू बैक नहीं है। सो इस पर जो पावर होगा वो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। छोटे से आपको डिटेल बताता हूँ। जनरली अभी जो है इसके साथ इस तरीके का गन बॉक्स आता है। सो ये गन बॉक्स देख सकते हैं, इट इज़ फ्रॉम जर्मनी उमारेक्स। जनरली ये जो है कुछ इस तरीके से जो है ओपन हो जाता है। सो इसमें जो है आपको इस तरीके का फोम होगा। सो जब भी आप इसमें गन रखते हो तो ये शेक करने पे भी जो है जगह से हिलता नहीं है, एक जगह पे फिक्स रहता है। इस पर जो है आपका CO2 ऑयल या फिर पैलेट जो भी है आप इसमें रख सकते हो, तो वो फिक्स हो जाता है एक जगह पे। एंड ऑल्सो अब जो है इसके साथ आपको एक मैनुअल भी आता है, ये है इसका मैनुअल। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप गन ऑर्डर करते हैं तो इसके साथ जब आपको ये मैनुअल मिलता है तो ज़रूर इसको एक बार रीड कर लीजिए। बेसिक से जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर आपको मिल जाते हैं, प्लस डिटेल इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे वार्निंग्स यहाँ पे दी हुई होती है, तो वार्निंग्स में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पैलेट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं या फिर किस तरीके से जाएगा पैलेट, वो सारी डिटेल हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने साइन भी दी है कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, तो कैसे उसको यूज़ करना है। जब भी आप इसको एक बार रीड करेंगे तो उसकी जो डिटेल होगी वो आपको मिलेगी। अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह रखने हैं तो यहाँ पे पीछे उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर कुछ आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे जो है आप चीज़ों को लिख सकते हैं, सो दैट आपको जो है इन फ्यूचर जो होगा इसका डिटेल जो होगा वो आपको याद रहेगा। सो ये इसकी बेसिकली जो है मैनुअल आपको मिल जाती है। अब इस गन की हम बात करते हैं, इस पर जो है पैलेट गन है बेसिकली, तो इसमें जो है 0.177 4.5 mm का पैलेट मिलेगा। ये जो पैलेट होगा कुछ इस तरीके से दिखता है। सो जनरली कुछ लोग देखते हैं कि हमको पॉइंटेड पैलेट चाहिए, सो पॉइंटेड पैलेट हम अलाउ नहीं करते, बट अगर आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, बट उससे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पैलेट यूज़ करने से ये आपकी मैगजीन होती है बेसिकली, तो मैगजीन जो होती है वो डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई ओनली रिकमेंड कि अगर आप फ्लैटेड, क्योंकि पावर जो है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा ग्रेन्स जो होगा गन का, अब इसका जो है ग्रेन कम है तो कम ग्रेन में आपको जो है पावर ज़्यादा मिलता है। जितना ज़्यादा हैवी कोई चीज़ होगी जब वेलोसिटी मिलती है तो उस चीज़ की कम हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा भारी है तो उसका जो पावर है बहुत कम हो जाता है। अब इसमें जो है ये एयरसॉफ्ट का जो CO2 है ये आपको यूज़ करना होता है। दिस इज़ 12 ग्राम CO2 सिलेंडर, ये जो है 13 ग्राम 14 ग्राम ऐसे या फिर 9 ग्राम ऐसे यूज़ नहीं करना है। स्पेसिफिकली इस गन में जो है 12 ग्राम का ही CO2 सिलेंडर यूज़ होगा। एंड ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको गन के साथ आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या, आपको वन बॉक्स पैलेट एंड वन बॉक्स ऑफ CO2 अभी आपको मिलते हैं। इसके अंदर अप्रॉक्स 250 पैलेट्स होते हैं एंड ये जो है इसके साथ आपको 5 CO2 सिलेंडर्स मिलते हैं। ऑयल जो होता है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड आप जो है ऑयल यूज़ कीजिए। अब ऑयल यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका CO2 है, आपने ये ओपन किया, इसके ऊपर एक ड्रॉप डालना है, बहुत ज़्यादा 2-3 ड्रॉप नहीं डालना, एक ड्रॉप आपने डाला और डालने के बाद जो है आप इसको गन में रख के इंस्टॉल कीजिए। अब एवरी टाइम जो है ऑयल को यूज़ नहीं करना है, अल्टरनेट यूज़ करना है। जैसे आपका ये फर्स्ट CO2 है तो आपने ये यूज़ किया, सेकंड पे जो है यूज़ नहीं करना है, फिर थर्ड पे यूज़ करना है, फिर फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे यूज़ करना है। सो इस तरीके से आपको जो है यूज़ करना होगा। सो अब देख सकते हैं इसकी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये यूज़ होता है। यहाँ पे आपको जो है ये पोर्शन मिल जाता है, जैसे आप इसको नीचे की तरफ करते हैं इसका जो है बैरल ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब जो है मैगजीन आपको यहाँ रखनी है और ये आपने मैगजीन रखते ही ये जो है पीछे करते
लोड हो गई। अब जो है कुछ लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, वो जो है मैगजीन को टेढ़ा रख देते हैं। अब ये मैगजीन एग्जैक्टली ऐसे रखनी है, अब वो जो है इसको उठाएंगे और ये उल्टा रखेंगे। आप बंद कर रहे हैं, बंद हो नहीं रही, आप ज़बरदस्ती करें गन की जो है मैगजीन की पूरी वाट लग जाएगी, कुछ भी इसका यूज़ नहीं होगा, फिर आपको नई मैगजीन जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी, या हो सकता है अंदर जो स्पेयर्स हैं वो डैमेज हो जाए। सो मेक श्योर कीजिए जब भी आप लोड करें, ये पीछे कुछ है ग्रूव्स वाले पार्ट्स हैं, ये जो है पीछे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि जब आप पैलेट डालेंगे तो पैलेट भी आपको यहाँ से डालना है, यहाँ से पैलेट नहीं लगाना है, जो ग्रूव्स वाले पार्ट्स हैं यहाँ से पैलेट लगाना है। आप मेक श्योर कीजिए जब ये जाएगा गन में तो ऐसे होगा, मतलब पैलेट जो होगा उसका शेप आगे की तरफ होगा, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लगाना है और ये जो है बंद हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अब जो है मैं फायरिंग के टाइम पर आपको एक बार रिटर्न ये इस चीज़ को जो है क्लियर कर दूंगा। अब जो है ये इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो है आपको ये बटन दिखता हुआ मिलेगा, जैसे आप इसको प्रेस करते हो इसका ये जो है ग्रिप ओपन हो जाता है, ये आपकी ग्रिप है, संभाल के रखिए, ये थोड़ा प्लास्टिक का है, सो मेक श्योर कीजिए गिरे ना वरना टूट सकता है। थोड़ा बच्चों से दूर रखना इस गन को, बिकॉज ये जो है 18 प्लस के लिए है, लाइक कोई भी बच्चा अगर इसको यूज़ करता है तो मेक श्योर कीजिए आप उसको अपनी निगरानी में ही यूज़ करने के लिए दें, क्योंकि ये जो गन है बच्चों के लिए बेसिकली नहीं है, 18 प्लस वालों के लिए है। इसमें जो है ये 12 ग्राम का सियोर सिलेंडर जो है लगता है और ये ऊपर करते लोड हो जाता है। सो ये जो है कुछ इस तरीके से आपकी जो ग्रिप है इस गन में लग जाती है। अब बहुत लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, बंद नहीं हो रही वो ज़बरदस्ती किए जा रहे, तो उसको ढील आप आराम आराम से कोशिश कीजिए, बिकॉज ज़्यादा ज़ोर से आपने की है प्लास्टिक की टूट जाएगी, फिर इसका जो है कोई भी आपको यूज़ नहीं होगा, आगे की तरफ से करते हुए फिर पीछे की तरफ जाना है, सो दैट ये इजीली हो जाएगा। अब इस पे जो है सेफ्टी मिल जाता है आपको, ये जो है दोनों तरफ से, अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट हैंड में आप जो है यहाँ से भी सेफ्टी पे नीचे करके आप ऊपर कर सकते हैं, या अगर आप राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो है राइट हैंड ही यूज़ करते हैं, बट कुछ लोग जो हैं लेफ़्ट वाले हैं तो वो लेफ़्ट के लिए भी आपको जो ये ऑप्शन है, आप जब इसको करते हैं ये आपने नीचे किया इस तरफ से भी हो गया, एंड ऊपर करेंगे इस तरफ से भी ऊपर हो जाएगा। सो ये दोनों तरफ से इनबिल्ड है, तो आप इस तरफ से कीजिए या इस तरफ से कीजिए, तो दोनों तरफ से जो है ये वर्क करता है, एंड जनरली नीचे करते ये जो है सेफ्टी पे आ जाता है, ये आपका सेफ्टी है, ट्रिगर नहीं हो रहा है, एंड ये ऊपर किया फायरिंग है। अगर नहीं समझ में आता है, एस इज फॉर सेफ्टी, रेड डॉट दिख रहा है, दिस इज़ फायरिंग एक्चुअली, एंड जैसे नीचे करेंगे एफ यहाँ पे है, दिस इज़ अस लाइक सेफ्टी है, अभी ये नीचे आपने किया ये सेफ्टी आ गया, फायरिंग के लिए जब आप ऊपर करेंगे ये फायरिंग है, नहीं समझेगा, यहाँ पे रेड डॉट है, रेड इज़ फायरिंग। सो इस तरीके से है। अब इस पे जो है फ्रंट और रियर साइड भी जो है वो आपको मिल जाता है, फ्रंट मतलब ये आगे का जो पार्ट है, दिस इज़ फ्रंट साइड एंड ये जो है रियर साइड है। अब ये जो पार्ट है फ्रंट साइड, ये जो है एग्जैक्टली फिक्स्ड है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, बट ये रियर साइड जो है ये ऑलरेडी लाइक इसको आप अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोस्टली जो है अभी इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जब है लाइक मैन्युफैक्चर होती है तो ये जो है ऑलरेडी टेस्ट होकर के आती है, सो हम भी एक बार टेस्ट करके ही आपको भेजते हैं, सो दैट आपको ये डिलीवर होता है। ये जो है ऑलरेडी एडजस्टेड है, बट अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते तो कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इस पे जो है इसको फिक्स करने के लिए जो है आपको एक चीज़ मिलती है जो ऑलरेडी गन बॉक्स में है, ये रही, सो इसके थ्रू जो है आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये ऊपर की तरफ अगर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटा सा होल है, इस पे जो है आपको ये लगाना है कुछ इस तरीके से, और ये जो है आप इसको घुमा सकते हैं लेफ़्ट या राइट, फिर ये जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जनरली इसका यूज़ कहाँ पे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, जब आप गन को होल्ड करते हो, अब मैं आपके डायरेक्शन के हिसाब से दिखाता हूँ, तो ये जो है पीछे के साइड के जो स्टंप, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें स्टंप्स आते हैं, सो ये तीन स्टंप्स जैसे बनने चाहिए, आप जब फायर कर रहे हैं तो आपको यहाँ से देखना है इसके बीच में से, और ये जो है प्रॉपर ऐसे स्टंप जैसे होंगे, सो दैट ये जो होगा प्रॉपरली टारगेट पे जाकर के हिट होगा। अब वो आपको देखना है कि आप कैसे आपकी लाइक जब भी आप शूटिंग करेंगे तो आपको जो है आइडिया हो ही जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। सो बहुत बेसिक है, एंड इसका अब हम जो है थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो ये जो है अप्रॉक्स 1 kg का आपको मिलेगा, लाइक 1100 से आपको 1 kg का इसका जो है वेट मिल जाता है, एंड इस पे जो है स्पेसिफिकेशंस के लिए इसमें डिटेल आपको जो है यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है CO2 पिस्टल है, 4.5 mm का पैलेट लगता है,
आठ राउंड की मैगजीन है, ये इसकी मैगजीन है, ये आठ राउंड में जो है लगती है। इसमें 4.5 mm 0.177 कैलिबर का है, 120 meter per second, मतलब ये जो है 120 meter per second इसका जो पैलेट होगा, ये पैलेट जो है 120 meters per second से इसका जो पैलेट होगा ये ट्रैवल करता है। सो जब भी एक्चुअली ये जो है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो है राइफल्ड बैरल है। राइफल्ड बैरल्स मीन्स क्या होता है, अंदर से ये जो है ना राइफल्ड, मतलब आपका जो पैलेट होता है जब आप ट्रिगर करते हो तो पैलेट जो है वो घूमते घूमते जो आपका टारगेट है वहाँ पर जा करके हिट करता है। एंड अंदर से इसका जो बैरल है ना वो स्टील बैरल है, मतलब अंदर से स्टील का होगा बट राइफल मतलब घूमते घूमते डेस्टिनेशन तक जाता है, जो भी टारगेट है वहाँ तक। सेफ्टी जो है इसका ये मैनुअल है। बैरल लेंथ जो होगा वो 90 mm का आएगा। वेट जो होगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था 1 kilo to 1100 gram तक आएगा, तो ये 1040 grams का है। एंड ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 180 mm का है। तो बहुत अच्छी गन है, पावर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 120 मीटर्स को अगर आप जनरली कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड जो है 400 FPS तक आता है। सो 400 FPS 120 मीटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल है, बच्चों से दूर रखिए। एंड चलिए अब जो है इसको हम फायर करके आपको दिखाते हैं एंड जनरली लोग गलतियां कहां करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सो अब जो है हम इसको फायर करके दिखाते हैं आपको। एंड यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये बटन है, जैसे इसको आप प्रेस करते हो ये आपकी जो ग्रिप है ये ओपन हो गई, इसको बचा के रखिए। अब लोडिंग के पहले जो है CO2 आप इसको पहले नीचे कर लीजिए। और बहुत टाइम क्या होता है जब हम भेजते हैं तो समटाइम्स ये जो है आपका ये स्क्रू जैसा, एक्जैक्टली स्क्रू नहीं बोल सकते, सो ये जो चैम्बर में है ये आपका जो गोल्डन पार्ट है ये कभी कभी बाहर आ जाता है। तो डरने की बात नहीं कि मेरी गन ख़राब हो गई, मुझे अब क्या करूँगा, हाय ऐसा कुछ नहीं करना है। सो इसको जो है आप ऐसे जो है